नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में आप ऑनलाइन संशोधन कैसे कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ी एवं सभी सरकारी भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ फॉर्म की लिस्ट दिखाई देगी, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर देखना है, देख लेना है कि यहाँ पर 17 तारीख को इसका नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी हुई थी, तो आपको यहाँ पर देख लेना है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और पटवारी 2019, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन, आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में ये आपको आपकी एसोसो आईडी पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर आपको अपनी एसोसो आईडी पासवर्ड फिल कर देना है और लॉगिन हो जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी एसोसो आईडी फिल कर देना है, आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड फिल कर देना है, यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन पर क्लिक हो जाना है। मैं अपनी यहाँ पर सभी डिटेल एसोसो आईडी पासवर्ड फिल करके यहाँ पर आपको लॉगिन होकर पूरी स्टेप टू स्टेप जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, एसोसो पर लॉगिन होने के बाद में आपको इस तरह के विभिन्न प्रकार के ऐप दिखाई देंगे। इन ऐप के अंदर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल वाले ऐप पर आ जाना है। यदि ये वो ऐप आपको यहाँ पर शो नहीं होता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट लिख लेना है। रिक्वायरमेंट लिखने के बाद में आपको इस तरह का ऐप यहाँ पर दिखाई देगा, रिक्वायरमेंट पोर्टल वाला, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन के अंदर आपने जितने ही फॉर्म फिल किए हैं वो फॉर्म आपको अपने यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर व्यू मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको व्यू मोड पर क्लिक कर देना है। व्यू मोड पर क्लिक करने के बाद में आपने जितने फॉर्म फिल किए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट एप्लीकेशन का, यहाँ पर आपको एडिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए, आप आपके पटवारी फॉर्म के अंदर यहाँ पर देख लीजिए, आप पटवारी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2021, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर एडिट की एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी एडिट इसमें स्टार्ट है तो यहाँ पर केवल पटवारी का शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए, आपका जो फॉर्म होगा आपको यहाँ पर पूरा शो हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको फॉर्म इस तरह से आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या एडिट कर लेना है, करना है, उस किस प्रकार से करना है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि आप क्या क्या एडिट कर सकते हो। तो मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके आ गया हूँ। जो एडिट का जो प्रेस नोट जारी हुआ था, देख लीजिए, 26 तारीख का प्रेस नोट था ये, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रेस नोट था। तो इसमें अपन चर्चा कर लेते हैं कि आप किस किस के अंदर एडिट कर पाओगे और क्या क्या आप एडिट नहीं कर सकते, क्या क्या प्रतिबंध रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा आवेदक कर। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप एडिटिंग इसमें कब से कब तक एडिटिंग कर पाओगे, करेक्शन कर पाओगे। तो आप 28/10/2021 से 6/11/2021 तक रात्रि 11 बजे तक अपने फॉर्म के अंदर आप संशोधन कर पाओगे। तो आप क्या क्या संशोधन कर सकते हो इसमें अपन जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि आवेदक के नाम, आवेदक के माता पिता के नाम, पता और शैक्षणिक योग्यता और फोटो एवं हस्ताक्षर में कोई भी प्रतिबंध रहेगा। तो यहाँ पर आवेदक अपने स्वयं के नाम में, पिता के नाम के अंदर, अपने शैक्षिक योग्यता के अंदर और फोटो एवं हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह अन्य सूचना जैसे कि वो यथा श्रेणी, उप श्रेणी, जैसे कि कैटेगरी के अंदर वो संशोधन कर सकता है, वो अपने जेंडर में संशोधन कर सकता है, वो अपने DOB के अंदर डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि के अंदर संशोधन कर सकता है। और संशोधन निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन किया जाएगा। उसके लिए आपको निर्धारित जो शुल्क होगा उसका भुगतान करना पड़ेगा। आवेदक के नाम, आवेदक के माता पिता के नाम और शैक्षणिक योग्यता, पता और फोटो हस्ताक्षर में त्रुटि के सूचना में संशोधन हेतु चयन होने की स्थिति में, यदि आप इसके अंदर संशोधन करना चाहते हो अपने नाम, पिता के नाम के अंदर, आपके एड्रेस के अंदर, शैक्षणिक योग्यता के अंदर, उसके लिए आपको सूचना के लिए चयन होने की स्थिति में
दस्तावेज सत्यापन के समय आपके अगर नंबर आ जाता है, आपका दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाता है, तो उस समय आपको इसमें करेक्शन करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। वहां उस समय आपको दस्तावेज सत्यापन के समय ही विचार किया जाएगा। अतः कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करे। अपने नाम के अंदर, पिताजी के नाम के अंदर, अपने एड्रेस के अंदर अभी कोई संशोधन नहीं होगा, आपको उसके लिए कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तब उसमें आपको संशोधन करने का एक और मौका दिया जाएगा। उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र बोर्ड एवं कार्यालय में संशोधन हेतु स्वीकार नहीं किया। तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के अंदर या कैटेगरी के अंदर या जेंडर के अंदर संशोधन करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर हमने फॉर्म खोल कर रखा था। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे मैं आपको DOB के अंदर डेट संशोधन करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने DOB सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी जैसे कि यहाँ पर 21 फरवरी 2000 पहले DOB की हुई थी, अब मुझे 21 फरवरी की जगह मुझे जून कर लेना है और 2000 की जगह मुझे 2001 कर लेना है, 2001 कर लेना है और डेट मुझे 5 तारीख कर लेनी है। इस तरह से आपकी DOB में चेंज हो जाएगा। आपको 5 जून 2021 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से यहाँ पर एज निकल के आ गई है। और आपको कोई चेंज नहीं करना तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो देख लेना है, आपको एड्रेस में चेंज हो नहीं पाएगा। नीचे आने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद में आपको यहाँ पर यस कर देना है। जिस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, नेक्स्ट पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। क्योंकि मुझे DOB में चेंज करना था, मैंने वहाँ पर DOB के अंदर चेंज कर दिया। अब मैं इसका पेमेंट करवा दूंगा आपको। फिर यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी, आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको वही नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आपको फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, जो डेट ऑफ बर्थ अपन ने चेंज की थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, वो डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई दे रही है। अब आपको क्या करना है कि इसका पेमेंट करवा देना है। नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपने पे फीस पे क्लिक, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और पे फीस पे क्लिक कर देना है। आपको पे फीस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो फीस का जो चार्ज लग रहा है, यहाँ पर 300 रुपीज करेक्शन करने का आपको यहाँ पर 300 रुपये का चार्ज लग रहा है। तो आपको नीचे आ जाना है, पे फीस पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको ओके कर देना है और यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपको पेमेंट करते समय आपको रिफ्रेश नहीं करना है, रिफ्रेश करने के चक्कर में आपका पेमेंट यहाँ पर अटक सकता है। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए, आपको पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। आपको पेमेंट किस करना है, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, एग्रीगेटर से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको एग्रीगेटर से पेमेंट करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर एग्रीगेटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किससे पेमेंट करना है। यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर देना है। आपका पेमेंट के ऊपर जो भी GST चार्ज लगेगा, नेट बैंकिंग के द्वारा ये लग रहा है आपका जो भी GST चार्ज लगेगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप देख लीजिए, आपकी GST से सहित आपकी फीस 310 रुपये लग रही है। 300 रुपये तो 300 रुपये का तो आपको वही चार्ज लग रहा था और 10 रुपये आपकी GST लग रही है। अब आपको किससे पेमेंट करना चाहते हो, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको देख लीजिए, नेट बैंकिंग, वॉलेट या वीजा कार्ड से किससे पेमेंट करना हो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। UPI से करना तो आप UPI या QR कोड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कार्ड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। कार्ड पर क्लिक करने के लिए आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर कार्ड नंबर फिल कर देना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और कार्ड होल्डर का नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके CVC नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और आपको यहाँ पर पे पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करने के बाद में आपके जो अकाउंट नंबर के अंदर जो मोबाइल नंबर अपडेट होंगे उसके ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा
एक मैसेज भेजा ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपके अकाउंट से 310 रुपये का चार्ज काटे जाएगा, उसके बाद में आपका सक्सेसफुल मैसेज आएगा। तो आपको करेक्शन की हुई प्रिंट आपको अपने पास संभाल कर रख लेनी है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो। ये आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।